साथियों, पीपल सेंट्रिक, पीपल ड्रिवन और प्लैनेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की अप्रोच अब देश में गवर्नेंस का हिस्सा बन गई है। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है वो भी पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट के विचार के अनुकूल ही है। यूपीआई के माध्यम से हमारी बैंकिंग टचलेस, कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस और 24/7 365 डे संभव हो पाई है। भीम ऐप से ट्रांजैक्शन के अब नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रुपे कार्ड अब गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, देश के हर वर्ग का पसंदीदा कार्ड बनता जा रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो क्यों न गर्व के साथ रुपे कार्ड का इस्तेमाल करें। साथियों, अब देश में बैंकिंग सर्विस का दायरा उन लोगों तक भी पहुंच पाया है जिनको लंबे समय तक हैव नॉट्स की श्रेणी में रखा गया था। डीबीटी, जेम, JAM यानी जनधन, आधार, मोबाइल के माध्यम से बिना लीकेज करोड़ों बेनिफिशियरीज तक, करोड़ों लाभार्थी तक जरूरी सहायता पहुंचाना संभव हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और मैं चाहूंगा सभी व्यापारी आलम इसको ध्यान से सुने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM, आप वेबसाइट पे जाकर इसकी डिटेल देख सकते हैं। GEM ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्रॉफिट कमाने का एक अवसर दिया है। आप ये जानते ही हैं कि जेम प्लेटफॉर्म, GEM, जेम प्लेटफॉर्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हो, एमएसएमई हो या बड़ा व्यापारी हो, सीधे सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहले तो जब तक इतने लाख का टर्नओवर नहीं होता है, इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता है, इतना बड़ा नाम नहीं होता है, तब तक आप सरकार को माल बेचने के लिए सोच ही नहीं सकते थे। आज हमने वो रास्ता खोला है कि आप सीधे भारत सरकार की बड़ी से बड़ी इकाई, इवन पीएम ऑफिस में भी आपका माल पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री को भी पहुंच सकता है। इसलिए मेरा आईसीसी से भी आग्रह है कि आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेम से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए और अपने उत्पाद सरकार को खरीदने ही पड़े ऐसी क्वालिटी का माल लेकर के आए। देखिए कैसी स्पर्धा चलती है, और सरकार की ताकत नहीं है कि आपके अच्छे मूल्य को ठुकरा सके। यह सब ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, हर एक का बेनिफिट है। अगर आपसे जुड़ा हर मैन्युफैक्चरर जेम से जुड़ जाएगा तो छोटे कारोबारी भी अपने प्रोडक्ट सीधे सरकार को बेच पाएंगे।